जैसे कि आप देख रहे हैं पेनिसिलियम के केस में, ये एक पेनिसिलियम का प्लांट है। इसके केस में आप देख रहे हैं कोनिडिया फॉर्मेशन क्या होता है। प्लांट से कोई भी प्लांट जैसे पेनिसिलियम, इसके टिप पर कोनिडिया स्पोर फॉर्म करते हैं। इस तरीके का प्लांट्स होता पेनिसिलियम का, जैसे पेनिसिलिन मेडिसिन्स बनाई गई। आप देख रहे हैं इस तरीके से प्लांट की टिप पर कोनिडिया, या हम कहेंगे स्पोर फॉर्म करते हैं। जब स्पोर मेच्योर हो जाते हैं तो मेच्योर होने के बाद ये स्पोर फॉल डाउन करते हैं और ज़मीन पर लैंड कर जाते हैं। इस तरीके से ये कोनिडिया, या हम इनको स्पोर बोल सकते हैं, जैसे धरती पर लैंड करेंगे तो वहाँ जर्मिनेट करके एज न्यू प्लांट के रूप में ग्रो कर सकते हैं, करते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, जो स्पोर हैं कोनिडिया की टिप पर पैदा होते हैं, जब मेच्योर हो जाते हैं स्पोर तो फॉल डाउन कर जाते हैं। फॉल डाउन करने के बाद ये नई प्लांट के रूप में जर्मिनेट करते हैं। इस तरीके के रिप्रोडक्शन को हम कहेंगे कोनिडिया। तो ये हो गया कोनिडिया टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। पेनिसिलियम का नाम आपने सुना होगा, तो पेनिसिलियम में इसी तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। इसी तरीके से फाइटोप्थोरा, अल्टरनेरिया है, अल्ब्यूगो है, एस्परजिलस है, इन सब में इसी तरीके से ही कॉनिडिया फॉर्मेशन होता है। जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं, हमने लिखा है कि स्पोर जो है वो टिप पर पैदा होते कॉनिडिया फॉर जो प्लांट बॉडी है, जो मेच्योर हो जाएगा स्पोर, तो स्पोर जो है फॉल डाउन कर जाएगा और एज ए न्यू प्लांट के रूप में ग्रो करेगा। जैसे पेनिसिलियम में भी सेम तरीके का रिप्रोडक्शन होता है, फाइटोप्थोरा है, अल्टरनेरिया है, अल्ब्यूगो है, एस्परजिलस है। तो इस तरीके से कोनिडिया फॉर्मेशन टेक्स प्लेस।